हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ है? नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसेंडिंग इंडियन, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रैकिंग इंडियंस, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से किस स्थान पर स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश में, या पटना गुजरात में, या कोणार्क उड़ीसा में, या फिर जोधपुर राजस्थान में। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी यह स्थित है पटना गुजरात में। और रानी की वाव इकलौती ऐसी बावड़ी है, बावड़ी मतलब होता है एक कुआं, जो सीढ़ीदार कुआं होता है, जो विश्व धरोहर में शामिल हुई है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में शामिल हुई थी। इसके अलावा ये जुलाई 2018 में RBI द्वारा जो 100 रुपये का नोट जारी किया गया था उसमें भी इसे चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता, या लौहयुगीन सभ्यता, या अक्षययुगीन सभ्यता, या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसका सही जवाब है आंसर डी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता अर्थात यहाँ पर पहली बार कांस्य का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिनमें 924 केंद्र भारत में ही स्थित है, और यह सभ्यता सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही फैली हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 साल, 62 साल, 65 साल, या 66 साल। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह है 62 साल। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मैडम कामा का, या किट्टूर चेन्नम्मा का, या सरोजनी नायडू का, या फिर रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, यानी रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अभूतपूर्व योगदान दिया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था काशी नामक स्थान पर, और इनको बचपन में मनु के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? रिबूटिंग इंडिया, इमेजिनिंग इंडिया, अनटचेबल, या फिर द लाइफ ट्री। तो सही आंसर है द लाइफ ट्री, इनमें से जो पुस्तक है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। यह किताब जो है 26 कविताओं की एक व्याख्या है, जो उनके निजी जीवन के बारे में, उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में लिखी गई है। यह किताब को लॉन्च किया गया था 2005 में। ठीक है, बात करें रिबूटिंग इंडिया की तो यह पुस्तक लिखी गई थी नंदन नीलकणी द्वारा, और बात करें इमेजिनिंग इंडिया की तो यह पुस्तक लिखी गई थी विरथ शाह द्वारा। अगला प्रश्न है, मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, या फिर गुजरात में। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क के विकास का प्रस्ताव जीवाश्म और दुर्लभ लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था, और इस पार्क का निर्माण हंसदेव नदी के पास आमारखेवा में किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा कौन सी है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, या इसरो सैटेलाइट कॉरपोरेशन, या फिर इसरो मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसे 1992 में भारत सरकार के अंदर एक निजी लिमिटेड कंपनी की मार्केटिंग शाखा के रूप में शामिल किया गया था। इसका काम क्या है? इसका काम दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक जो है अंतरिक्ष के उत्पादों और सेवाओं के, उन्हें सेवा उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल चट्टानों पर बड़े उल्का पिंडों के गिरने के कारण हुआ है? लोनार, वियना, रेंकला, या फिर अंबाजारी। तो इसका सही आंसर है लोनार झील। लोनार झील का निर्माण दक्कन के बेसाल चट्टानों पर बड़े उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है। यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। रेंकला झील की बात करें तो रेंकला झील कोल्हापुर जिले में स्थित है। अंबाजारी झील की बात करें तो यह नागपुर में नाग नदी से निकली हुई एक झील है। अगला प्रश्न है, पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर एक कंपाइलर। तो सही आंसर है पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी ऑप्शन ए सही है। यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसे वैन रोसम द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजक न्यूटन द्वारा, आल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, जॉन डाल्टन द्वारा, या स्टीफन हॉकिंस द्वारा। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी जड़त्व का नियम, यानी इनर्शिया का नियम जो है वो आइजक न्यूटन द्वारा बताया गया था। जड़त्व या इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध करता है।
जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का पहला नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है इंटरनेट के इस्तेमाल से लोगों को रोकना, दूसरा है इंटरनेट सेवाओं पर छूट मिलना, तीसरा इंटरनेट कंपनियों द्वारा मुफ्त सेवाओं की पेशकश, या फिर इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। इसका अर्थ है इंटरनेट पर सर्विस प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं वो हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा प्रदान करेंगी, अर्थात हर तरह के डाटा का कीमत एक जैसा होगा। नेट न्यूट्रलिटी को इंटरनेट निरपेक्षता भी कहा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।